गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम खेले जा रहे हैं ब्रेन डोम लेवल 1। इसके अंदर हमें फाइंड करना है कि इस बच्चे का असली पापा कौन है। और यहाँ पर ये दोनों ही बोल रहे हैं कि मैं इसका पापा हूँ, यार ये पता कैसे चलेगा। मगर हमें एक सेकंड पीछे की तरफ ना एक फोटो है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी जो शक्ल है भाई हमारे इस अंकल जी से मिल रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस बच्चे का जो फादर है ना वो ये है, मतलब बी। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यस भाई, लेवल 2, हु इज एड्रियंस गर्लफ्रेंड। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि ये जो बंदा है इसकी इन दोनों में से गर्लफ्रेंड कौन है। और ये दोनों ही कह रहे हैं कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और हमें पता कैसे चलेगा, एक सेकंड पीछे की तरफ एक पेड़ है और जैसा कि आप देख सकते हो इस पे लिखा है ए और दिल का साइन, फिर एम लिखा है। और इस लड़की का नाम क्या है, इसका नाम है सेलेना और इसका नाम है मैरी। ओके, तो जैसा कि देख सकते हो एड्रीना लव मैरी, तो भाई मुझे ये इसकी गर्लफ्रेंड लग रही है। अभी तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा इजी आ रहे हैं, अब ये मेरे को थोड़ा सा पता नहीं अलग सा लग रहा है। हु इज मैरिड, हमें ये फाइंड करना है कि आखिर इनमें से किनकी मतलब किसकी शादी हो रखी है। तो इसके पास टिकट है, यहाँ लिखा है लंदन टू बेल्जियम जा रहा है भाई साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हटाते हैं। और ये जो भैया जी बैठे हुए हैं ये जा रहे हैं लंदन टू फ्रांस और यहाँ लिखा है फैमिली डिस्काउंट। ओके, अब इन भैया की टिकट देखते हैं, ये जा रहे हैं लंदन टू कैनेडा। बट गाइस आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये है फैमिली डिस्काउंट, मतलब हो सकता है कि अपनी बीबी बच्चों के साथ जा रहा हो। तो भाई इस पर क्लिक करते हैं और यस लेवल 4, हु इज विनर। हमें इसमें पता करना है कि आखिर इन दोनों में से जीता कौन है। और ये दोनों बोल रहे हैं कि भाई मैं जीता हूँ। और ये शायद से एक डिस्प्ले लगी है, तो जैसा कि आप देख सकते हो जो ब्राउन वाला घोड़ा है वो पहले, मतलब उसने जो लाइन है जो रेस है उसको क्रॉस करा है, तो इसका मतलब जो ए है वो विनर है। लेवल 6, इसके अंदर हमें फाइंड करना है कि आखिर इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। तो ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं बेटा तुम 13 साल के हो, तुम ड्राइव नहीं कर सकते। बट ये जो आंटी या दीदी जो भी है ये कह रही है भाई मैं 30 साल की हूँ, तेरे को ज्यादा पता है क्या। और हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें झूठ कौन बोल रहा है। तो वैसे मेरे को वैसे बी लग रही है ये लड़की, जैसा कि आप देख सकते हो ये कहीं से भी मेरे को 30 साल की नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है छोटी सी बच्ची है ये। बट इसके हाथ में एक अंगूठी जैसा कुछ तो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा है हाई स्कूल एलुमिनी 2008, मतलब कि भाई 2008 की बात है। इसका मतलब सच्ची में यार ये 30 साल की होनी चाहिए, तो इसका मतलब भाई ये झूठ बोल रहा है। लेवल 7, हेल्प हर चूज। तो यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ दो लड़के हैं, तो हमें इसकी मदद करनी है कि आखिर हमें इन दोनों लड़कों में से किसको चूज करना चाहिए। तो ये जो बंदा है आखिर क्या देख रहा है, तो ये शायद से एक पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। ठीक है बेटा तो पिज्जा ऑर्डर कर। और इसको देखते हैं, ये भाई दूसरी लड़की की फोटो देख रहा है भाई, तू गया बेटा। तो इसको भाई इस बंदे को चूज करना चाहिए गाइस, जो कि पिज्जा वाला शायद से ये अपने दोस्त के लिए भी ले रहा होगा। लेवल 8, और इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। तो ये जो छोटा सा बच्चा ये बोल रहा है कि भाई तूने विंडो तोड़ दी, और ये रोते रोते बोल रहा है भाई मैंने नहीं तोड़ी, तूने तोड़ी है विंडो। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। तो ये भाई बहुत ज्यादा गुस्सैल लग रहा है मेरे को। हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे कि हम देख सकते हैं इसका हाथ, और मैं इसका भी हाथ देखता हूँ। ओ इसका हाथ गंदा हो रहा है, इसका मतलब इसने पत्थर उठाया होगा और पत्थर फेंक के मारो। जैसा कि देख सकते भाई उसकी खिड़की टूट गई यार बेचारे की। तो भाई ये बी बंदा झूठ बोल रहा है। ये पेड़ गाइस आपको किस चीज का लग रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो पेड़ है ये एक लेमन ट्री है। बट ये जो दीदी है मतलब जो भी है ये बोल रही है कि नहीं बेटा नहीं, ये एक एप्पल का पेड़ है। और हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और मेरे को कुछ तो दिख रहा है। ओके, तो ये एक एप्पल ट्री है, इसका मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा है। दो दो बाल्टी लेके खड़े नूबड़े। इनमें से कौन शादीशुदा है हमें ये पता करना है, और ये पता चलेगा इनकी रिंग से। तो सबसे पहले मैं इसके हाथ चेक करता हूँ। अबे यार इनके हाथ में तो मेरे को कहीं भी रिंग नहीं दिख रही। ओके, जूतों से पता, अबे जैसा कि देखते हो भाई इसने लाल जूते पहन रखे, तो पता नहीं यार मेरे को इस पे शक हो रहा है। बट यहाँ पर तीनों के ना फोन रखे हुए हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको ना मिस कॉल आ रखी है डैड नाम से, और मतलब इसके पापा ने कॉल करा होगा इसको। और दूसरा है जासमिन, तो शायद से इसकी फ्रेंड होगी। अब इसका फोन चेक करते हैं, तो इसके मम्मी ने और इसकी शायद से एक और कोई दोस्त है उसने इसको फोन कर रखा है। अब ये दीदी को देखते हैं, तो मदर इन लो शायद से इसके पति की मम्मी ने इसको कॉल करा है। भाई मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ कि वो क्या होता है। और यहाँ पर डार्लिंग शायद से, गाइस मुझे ये लग रहा है कि ये जो लड़की है ये शादीशुदा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। यस, अब जो लेवल्स है ना वो थोड़े बहुत हार्ड आने स्टार्ट हो गए। तो अब हमें पता करना है कि आखिर इस बच्चे की फेवरेट क्लास कौन सी है, मैथ्स साइंस या हिस्ट्री। तो इसका यहाँ पर बैग है और यहाँ कुछ बुक्स रखी है और यहाँ पेपर है कुछ, मेरे को इस पर क्लिक करना है। मैथ्स में इसको मिले हैं D+, जो कि बहुत ठीक है भाई, अच्छा है। और यहाँ पर एक और पेपर निकालते हैं, यहाँ लिखा है साइंस से -C मिला इसको। अरे 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 अरे, और हिस्ट्री में इसको A++। अरे भाई साहब, इसका मतलब जो इसकी फेवरेट क्लास है सिंपल पता चल रहा है, जो कि है हिस्ट्री। हु इज द फादर, हमें ये पता करना है आखिर इस बच्चे का पापा कौन है। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो मेरे को ये पहले वाला लग रहा है, पता नहीं क्यों। शो योर प्रूफ, अरे भाई प्रूफ कैसे दिखाऊं मैं। ये बी पर देखते हैं, वापस से प्रूफ मांग रहे हैं। ये सी पर, अबे भाई फिर से प्रूफ मांग रहे हैं। और पता कैसे चलेगा, इसके पास ना तो फोन है, वो एक सेकंड इस पर ये घड़ी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कॉल मॉम, सॉरी डैड को कॉल करना है ना, हमें डैड को ढूंढना है। तो व्हाट,
अगर इसको ये पता ही करना होता तो भाई पीछे मुड़ के देख लेती, हाँ पापा ये रे मेरे भाई, यार क्या ही हो रहा है बेटा। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, हमें पता चल गया जो इसके पापा हैं वो ये हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। इनमें से शादीशुदा कौन सा है हमको ये पता करना है, और मेरे को पता चल भी गया भाई देखते ही। तो गाइस मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, क्या आप पता कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि यार एक बार खुद देखो, ये दोनों ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा चिड़े हुए हैं, शायद से बस ये दोस्त होंगे। और यहाँ पर भी भाई ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि ये जो दोनों है ना, ये भाई एकदम खुशी से मजे ले रहे हैं भाई, एकदम ठंड का अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद से मैरिड है। और यस, विच वन इज हर बेबी। ओके, तो यार ये कोई पूछने की बात नहीं है यार, साफ साफ पता चल रहा है इसमें आखिर इसका बेटा कौन है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, जो इसके बाल है काफी ज्यादा मतलब कर्ली बाल है, और इस बच्चे के भी बाल वही है, इसका मतलब यही है इसकी मम्मी। इनमें से गाइस टाइम ट्रैवलर कौन है, मतलब कि भाई कोई ना कोई तो इनमें से फ्यूचर से आया है। तो यहाँ पर ये भाई फ्रूट लेके जा रहा है, ये बंदा भी फ्रूट लेके जा रहा है, और ये भी फ्रूट लेके जा रहा है, और अंतर मेरे को आपको दिख रहा है क्या? ओ वो दिखा मेरे को, जैसा कि आप देख सकते हो जो इसके पास बास्केट है एकदम सिंपल वाली है, इस पे भी सिंपल है, बट इस पे जो बास्केट है ना मतलब बैग टाइप है। तो भाई ये बंदा है जो कि टाइम ट्रैवलर है। अब इनमें से हमें पकड़ना है कि कौन आखिर झूठ बोल रहा है। तो ये जो चश्मे वाले भैया ये इसको बोल रहे हैं कि बेटा तू चीटिंग कर रहा है, बट ये बंदा बोल रहा है कि भाई मैं चीटिंग नहीं कर रहा, और हमें प्रूफ करना है। तो शायद से हमें गेम के अंदर जाना होगा, और एक बार आप इसकी हेल्थ देखो भाई, इसकी इन्फिनाइट हेल्थ है, इसके पास इन्फिनाइट कॉइंस है, इसका मतलब भाई यही बंदा झूठ बोल रहा है जो कि गेम खेल रहा है। विच टॉयलेट इज मेल फंक्शनिंग, वैसे इसका मतलब क्या होता है यार मेल फंक्शनिंग का। तो शायद से मैं गेट खोल कर देखूं क्या, अब यार गेट तो खुल ही नहीं रहे दोनों के, और इसका देखते हैं मेरे को क्या नीचे से झुक कर देखना है, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेल फंक्शनिंग है? शायद से गाइस वो चीज जो कि मतलब कुछ खराब हो जाता है ना, क्या भाई टॉयलेट वॉलेट टूट गया क्या? और यहाँ पर एक सीसीटीवी है, मैंने इस पर अभी ध्यान दिया। और हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, ये जो कमोड जो भी टॉयलेट है वो खराब वराब हो गया भाई, पानी अटक गया होगा, और यहाँ पर ये बंदा इसको सही कर रहा है, इसका मतलब भाई बी। इन दोनों में से लालची कौन है हमको ये फाइंड करना है। और यहाँ पर भाई अंधा पैसा रखा हुआ है, क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? और इसके पास ले जाते हैं, तो अबे नहीं ले रहा, अबे लेना भाई पैसे लालची बन जा। ओके, तो ये इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अंकल जी के पास ले जाते हैं, और तेरी इनकी आंखें में तो भाई डॉलर नाच रहे हैं, इसका मतलब भाई अंकल जी भाई बड़े तेज चल रहे हो। इन तीनों में से सिंड्रेला कौन है? हमारे पास यहाँ पर सैंडल है, तो शायद से मैं इसके पाँव पे पहना सकता हूँ, बट मैं पहना नहीं पा रहा यार, पता कैसे चलेगा कि इनमें से सिंड्रेला कौन है? क्या मैं इसकी फ्रॉक को ऊपर कर सकता हूँ? ओ यस, अबे इनमें से तो सबके पास ही एक पेयर है नहीं भाई, तो मेरे को एक एक करके देना पड़ेगा। तो ये नहीं ले रही जूता, इसको देते हैं। ओ भाई बीच वाली सिंड्रेला है, कोई ना कोई भाई इनमें से छुपा रुस्तम है, और हमें पता करना है कि आखिर इनमें से छुपा रुस्तम कौन सा है। और भाई देखो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब एक स्टैचू है घोड़े का, उसके ऊपर भाई बंदा बैठा है, काफी ज्यादा मुश्किल स्टैचू है ये। और यहाँ पर एक परी है भाई ये, रुको क्या मेरे को बैग वैग देने हैं क्या इनको? नहीं यार, इनमें से कोई भी बैग नहीं ले रहा। और यहाँ पर एक टमाटर है मेरे पास, ये लो बेटा खा लो खा लो खा लो, अबे कोई नहीं खा रहा। और यहाँ पर मेरे पास कैमरा है, क्या ये यूवी कैमरा है? मतलब मैं अलग से देख सकता हूँ, मैंने फोटो खींची इसकी, तो शायद से हमें सबकी फोटो खींचनी है क्या? ये ले भाई घोड़े वाले भैया फोटो खींचो अपनी, इसकी भी फोटो खींच दी, ये भी नहीं है। और यहाँ पर एक टोपी मास्टर भैया है, ओके ओ ये भाई साहब छुपा रुस्तम निकला। इन तीनों में से गाइजर आपको बीमार कौन लग रहा है, मतलब कि हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से बीमार कौन है। तो मेरे को शायद से इनके हाथ चेक करने हैं। नहीं यार, हाथ में तो मेरे को कोई ऐसा मतलब डिफरेंस नहीं दिख रहा, क्या मेरे को सिख को छेड़ना है क्या? अबे नहीं यार, इसमें भी कुछ नहीं है। इनके मास्क पर देखते हैं, ओके तो इसका मास्क जो है वो मेरे को काफी ज्यादा साफ लग रहा है। इसका चेक करते हैं, इसका भी साफ है, इसका चेक करते हैं, और तेरी इसमें तो भाई कोरोना वायरस के लक्षण पा रहे हैं भाई, रुको रुको यही है भाई। अब हमें ये बताना है कि आखिर जो अंडा है इन तीनों में से किसका है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे को ये लग रहा है भाई मुर्गी का अंडा है, क्या मैं इसको कुछ भाई तोड़ सकता हूँ मैं इस अंडे को? ओके पूरा तोड़ते भाई, ये सांप का अंडा था, ठीक है भाई ये लो। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और हमें ये बताना है कि हु कैन रन फास्टर, और ये एक सर्कस में आए हुए हैं, और भाई वहां पर शेर बंधा हुआ है। तो क्या अगर मैं शेर को खोल दूं तो मेरे को पता चल जाएगा और मैं खोल सकता हूँ? ये मैंने खोला और ये बंदा भाई कैसे भाग के गया? इनमें से कोई ना कोई स्पाइडरमैन है, और ये पता कैसे करे? यहाँ पर एक मकड़ी है, शायद से मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। ओ मैं इसको मूव कर सकता हूँ, तो एक काम करते हैं हाथ पे कटवाएं क्या, क्या पता स्पाइडरमैन बन जाए वहां पर ही वो। ये बंदा तो कुछ नहीं कर रहा भाई, ये ले एक काम कर, माथे पे काटे एकदम। नहीं यार ये कुछ नहीं कर रही, एक काम करते हैं यहाँ। ओ भाई ये एक स्पाइडरमैन निकला, और कैसे एकदम भाई स्पाइडरमैन का वो जो निंजा वाले बंदे होते हैं ना वो ज्यादा लग रहा है। बट हाँ यहाँ पर ये तीन लॉकर दे रखे हैं, और इन तीनों में से कोई एक लॉकर इस बच्चे का है। और ये पता करने के लिए, वैसे पता चलेगा कैसे ये ए वाला? नहीं
यार पता कैसे चलेगा इस बच्चे के पे कुछ ना कुछ तो है भाई। रुको, इसके पास एक चेन है जो कि मेरे को अलग से ही दिख रही है, तो इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर इसके पास चाबी है और चाबी ताले पे लगेगी, इसका मतलब बी। ओह भाई साहब, यहाँ पर तो इनमें से किसी ने टीवी तोड़ दिया और ये एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि किसने टीवी तोड़ा है? शायद से मेरे को टीवी पर क्लिक करना है। और ये यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स है, तो ये इससे हमें पता चल सकता है कि आखिर वो किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो ये मेरे को ही लग रहा है, इसके देखते हैं। इसके वैसे काफी ज्यादा सिमिलर, अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, जैसा कि देख सकते हो भाई, इसके हाथ थोड़े मोटे मोटे से हैं और जो लड़की इसके हाथ थोड़े पतले लंबे से हैं, तो मेरे को इस पे शक हो रहा है। और यस, नूबड़े कहीं पे लड़की पे इल्जाम लगा रहा था बिना बात के। अबे ये तो वही बंदा ना जो कि भाई दूसरे लेवल में आया था, जिसकी गर्लफ्रेंड हमें फाइंड करनी थी। अबे नूबड़े तो यहाँ कैसे आ गया? बट हाँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, इसमें हमें ये पता करना है कि आखिर इन तीनों में से लंबा कौन है। ये तो मेरे को वैसे छोटा लग रहा है भाई, मेरे को पता है ये बीच वाले लंबा लग रहा है, बट भाई इसमें कुछ ना कुछ तो पक्का ट्विस्ट हो गई। तो ये जूस हटाना है। ओ, हमें ये टेबल हटानी है। और जैसा कि देख सकते हो भाई, ये नूबड़े दोनों के दोनों बक्से के ऊपर खड़े हुए हैं, इसका मतलब भाई ये जो ए है वो लंबा है। तो बस गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जाओ यार, जाकर वहां पर भी फॉलो कर लेना, वहां बात करते रहते हैं। तो बस यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।